आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 100 दिवसीय मिशन 75वें अभियान के तहत 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान मंडल स्तरीय पशु मैत्री का अभिविन्यास प्रदेश के पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रशिक्षण एनएक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि 15 नवम्बर 2022 से अभियान के रूप में कृत्रिम गर्भाधान के निःशुल्क कार्यक्रम को 100% सफल बनाना है, जिसको देखते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंडल को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के मानक संचालन प्रक्रिया को अधिकृत करते हुए मंडल को आवंटित लक्ष्य को पूरा किया जाना है। इसके माध्यम से पशुपालकों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार भी योजना चला रही है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी 100 दिनों में 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना है, जो कि कठिन लक्ष्य है, जिसको सभी अधिकारियों को मिलजुल कर पूरा करना है। इसमें पशु से संबंधित जो मैत्री व्यक्ति है उनका भी सहयोग लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह सहित मंडल के सभी पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा, बताया जाएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आपकी व्यक्तिगत समस्याओं, फील्ड में आ रहे दिक्कत, कपूर इसके आगे डॉक्टर बीपी सिंह सर, उसी नगर से पधारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास साठे सर, ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर रवि प्रसाद सर, डॉक्टर राजेश त्रिपाठी सर तथा इस सभागार में उपस्थित मंडलगढ़ से पधारे हमारे भाई तुल्य पैरामेड एवं मैत्री बंधुओं, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिवसीय 75 AI, ये टैगलाइन है, 75 AI 75 AI अभियान के अंतर्गत आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यतः जो प्रतिभागी हैं वो पैरामेड और मैत्री बंधु हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव कैसे है, इसके इतिहास मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया है। जो अपना काम है वो 15 नवंबर से शुरू होगा और 100 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा टारगेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय अभी पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान करने का लक्ष्य है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम में सब ग्राउंड लेवल पे जो लोग कार्य करते हैं वो आप हैं, पैरामेड और मैत्री। प्रदेश में उन्नत प्रजाति के
अति मिकृत वीर स्टार से कृत्रिम गर्भाधान की सेवा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के लिए भारत सरकार की योजना राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 100 दिनों में 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना है। यह एक कठिन लक्ष्य है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां विभाग के विभिन्न अधिकारियों पदों पर आसित विभिन्न पशु चिकित्साविदों के साथ साथ हमें जो हमारे पैरावेट्स हैं, मैत्री हैं, जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, स्वरोजगार के व्यक्ति हैं, उनका भी सहयोग अपेक्षित है। अतः आज वो समय है कि जब हम इन स्वरोजगारी पैरावेट्स मैत्री को के साथ वार्तालाप करें, संवाद करें और इनकी कठिनाइयों को भी जानें, और इनकी कठिनाइयां अगर कोई हैं क्षेत्र में तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास आज की ही इस मीटिंग में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक एक पशुपालक के द्वार पर जहां पर उसके पास गाय है, भैंस है, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, कोई भी पैसा पशुपालक को नहीं दिया जाना है। और हमारे ACS महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम के प्रति बहुत आशान्वित हैं कि प्रदेश में आगामी 100 दिनों में हम 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान करके अपने इस प्रदेश का नाम पूरे देश में अग्रणी करेंगे। हमारे पास गोरखपुर क्षेत्र में टोटल जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पर 360 के नज़दीक हमारे पैरावेट्स हैं, परंतु क्या होता है कि स्वरोजगारी के रूप में कुछ लोग ट्रेनिंग तो ले लेते हैं परंतु वो जुड़ते नहीं हैं। आज उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों ने उनसे व्यक्तिगत संपर्क किया है और उनको आज यहाँ पर आमंत्रित किया है कि आप आएँ, आपसे हम वार्ता करेंगे और अपनी मुख्य धारा में आपको जोड़ेंगे। मंडल में 360